गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम ग्रेस के लिए निकले हैं, अभी 5:10 हुए हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। मॉर्निंग में हमारा टायर पंचर हुआ, जिसके अभी हम 15 से 20 किलोमीटर चले थे, तो हमारा ये गांदरबल में टायर पंचर हुआ है। और मुश्किल से यहाँ पे एक भैया रहते हैं पास में, जिनकी वर्कशॉप है यहाँ पे, वो अभी हमारा टायर ठीक कर रहे हैं। अभी जैसे ही ठीक होके हम यहाँ से निकल के फिर हम सीधा ग्रेस जाते हैं। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो दोस्त है एक उमर भाई, वो खुद लगे हुए हैं टायर ठीक कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे हम चिकन ले रहे हैं और उसको स्टॉक कर रहे हैं। हम चिकन 4-5 दिन के लिए ही जा रहे हैं, तो उसके लिए हम चिकन ले रहे हैं यहाँ से बकेट फुल करके। तो कहाँ तक है जी? ये ना बाहर से आई जी? जी बिल्कुल जी जी जी, जा सकते हो आराम से। जा गुरेजी, हमने 7 साल निकाले हैं गुरेजी का। ये रोड गुरेजी के लिए जा रही है। कितने किलोमीटर की है अभी यहाँ से? गुरेजी के लिए उसी का 75 किलोमीटर है यहाँ से। शुक्रिया। अभी क्या क्या पहले आएगा ट्रक पर, फिर उसके बाद में आएगा राजधानी पीर बाबा राजधानी। पहले आएगा पीर बाबा, उसके बाद में आएगा राजधानी जी, उसके बाद में आएगा राजधानी से आगे आएगा, उसको बोलते हैं जिटकुसी। जिटकुसी नाले से आप जब उधर को जाओगे तो आ जाएगा पहला गांव ग्रेस वाला, कुर्कबल बोलते हैं उसको। वो कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? वो है यहाँ से कोई 50 किलोमीटर। सड़क ऐसी जाती है? ऐसी ही रोड है बिल्कुल, ये विक्रम बनाई हुई है। हम इसमें हम मेट हबा खातून पीक कहाँ पे मिलेगा जी? वो आपको मिलेगा दावर से थोड़ा आगे जाके, वो मतलब इसके आगे जाना जी है जी जी जी। यहाँ गाड़ी जाती है वहाँ तक? बिल्कुल जाती है। परेशानी कहीं रोड वगैरह कोई भी नहीं? ठीक ठाक है रोड। चेकिंग आर्मी? नहीं नहीं, आर्मी यहाँ पे आपका चेक करेगा यहाँ पे। हाँ, आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हैं? तंग वगैरह कहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, तंग कोई नहीं करेगा। आपका नाम? निजी रामन को जी। आप यहीं रहते जी? मेरा गांव यही है, मेट हूँ मैं इसी ग्रुप। इसका नाम क्या इस गांव का? बड़ी बेट शुरू हो गया, मातृ गांव बड़ी बेट जी। शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह, मैं जो वापस आऊँगा यहीं से मिलेंगे इंशाल्लाह जी सर। और थैंक यू सर। शुक्रिया। ग्रेज इज डिवाइडेड इन 3 रीजन। द फर्स्ट रीजन इज़ तोबाद शारदापीठ एडमिनिस्ट्रेटेड बाई पाकिस्तान और नीलम डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो है खिमरी मिनीमर्ग एडमिनिस्ट्रेटेड बाई पाकिस्तान एज वेल, और जो तुलियान जिसको बोला जाता है नोन एज अ गुरेज तहसील इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ आता है। मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़, जो गुरेज जो था वो पार्ट था दर्दिस्तान का, जो कि शारदा पीठ और मिनमर्ग नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट में जो द्रास के साथ कनेक्ट करता था। साथ में ही ये जो वैली जो थी गुरेज की, ये एंशंट सिल्क रूट के साथ कनेक्ट थी, और जो कि कश्मीर वैली और साथ में गिलगित को कनेक्ट करती थी आगे जाके काशगढ़ तक।
यहाँ पे जियो का नहीं चलता है, ये कौन सा चलता है? ये तो सर क्या कि मतलब वो नहीं ले रहा हूँ। तो सर 1933 में सर पीर बाबा पाकिस्तान से आए थे, मलसर जगह है कोई पाकिस्तान में। तो उसके बाद बाबा ने धुरमु जगह एक जो पीओके में स्थित है गुफा में अपने को स्थापित किया था। बाबा की तकरीबन उम्र 35 वर्ष थी और उसके बाद बाबा गाड़िया पे आ गया अंदर और 35 वर्ष थी। तो जब बाबा ज़्यादा बर्फबारी के कारण बाबा वहाँ से धुरमु से जगह से क्या राजधानी में आ गए, तो लास्ट में बाबा ने अंतिम सांस वहीं पे ली थी 1940 के बाद। उसके बाद 1940 में यहाँ पे मतलब यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने क्या मजार का निर्माण कर यहाँ पे लिया। और जो मतलब बाबा की अगर वो नीचे ले जाने जा रहे थे बांदीपुरा के लोग नीचे बांध पर नहीं ले पाए यहीं पर वो हो गया। तब तक एक मधुमेह को झुंड ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद फिर से क्या हुआ सर, उनके भक्त मलिक थे तो जो उनकी वजह से और क्या यहाँ पे मतलब मजार के निर्माण किया। उसके बाद 1950 में हमारी वो आई क्या 280R, उसने मंदिर को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अभी गाड़ी आगे मुझे उसको बताना पड़ेगा। कितना दूर है? थोड़ा ही, 2-3 किलोमीटर। जी जी, चार पाँच इतनी रहते हो? इतनी रहते जी, मैं दही ना लाऊंगा यार। 10-12 किलोमीटर। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ साथ के साथ ही, जो ये वैली है गुरेज वैली, इसमें जो पानी बहता है ये जो पाकिस्तान से आता है वहाँ इसको कहते हैं नीलम, और जब ये इंडिया में आती है एंटर करती है तो इसको बोलते हैं किशन गंगा, और वापस जाती है ये पाकिस्तान। जी सर, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे पहुँचे, थैंक यू मैं उनको बोलूँगा सर। बस ऐसे जो नहीं फोन कर रहा है कुछ ज़्यादा दुख है क्या? तो अभी जो आपके सामने जो पहाड़ दिख रहा है ट्रायंगल शेप में, इसी को बोलते हैं हबा खातून पीक। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी, और भी बहुत है, अभी हम 3-4 दिन यहाँ पे हैं गुरेज में, बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि स्पेशली हमारी इस हबा खातून पीक के लिए है।